अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। ये लीजिए जी, बारात का व्लॉग आ चुका है फरहीन इन द किचन चैनल पे। और यहाँ जो है वो सारे बाराती यानी के रज़ा भाई की बारात में जाने वाले तमाम मेहमान, कुछ इस्लामाबाद से, लाहौर से और जंग से, सब जगह से जो मेहमान आए हुए थे, उन्हें रिसीव करने राहत आंटी और उनके बेटे रज़ा, हमज़ा वग़ैरह सब स्टेशन गए और अपनी खाला पुपियों को सबको रिसीव किया। और यहाँ स्टार्ट हो चुका है सहरा बंदी का टाइम। यहाँ मैं भी खड़ी हूँ और ये नहीं राहत आंटी, यहाँ जो है ना दूल्हा के भाई, मामू और तब भाई कज़न्स वग़ैरह सब यहाँ जमा थे। और दूल्हा की बहन भी यहाँ खड़ी हैं, यहाँ अम्मी खड़ी हैं और रज़ा भाई जो है वो आ चुके हैं और यहाँ इनकी रस्म स्टार्ट होगी। इनके चाचा भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ इनके दोनों बड़े मामू और बहन भाई जो हैं वो आ गए हैं कि ताकि रज़ा भाई को दूल्हा बनाया जाए, तैयार किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, और यहाँ सब के सब जो है वो जल्दी से तैयारियां कर रहे थे। बाकी के ख़वातीन भी थीं घर में मौजूद जो तैयारी कर रही थी। आपको पता है ना ख़वातीन की लीफ अप होती बहुत देर तक चलती रहती है। तो जी यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से रज़ा भाई पहन रहे हैं अपनी शेरवानी, अपना दूल्हा का ड्रेस रेडी कर रहे हैं। यहाँ देखें बहन भाई साहब जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरह से अपने साले को तैयार कर रहे हैं रज़ा भाई को। और यहाँ उनके मामू ने उन्हें कुला पहना दिया है माशाल्लाह से। रज़ा भाई जो हैं वो माइयों मेहंदी की रस्म के बाद अब दूल्हा बनने जा रहे हैं। इनकी समझ लें सहरा बंदी की रस्म है ये। ऐसा ऐसा और मेहमान भी सब जमा हो गए थे जो इनके बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं सबके सब यहाँ पे, ताकि ये कि सहरा बंदी की रस्म हो जाए। ये चचा खड़े हैं दूल्हा के, और यहाँ बहन भाई हैं और इनके पीछे भी चचा खड़े हुए हैं और पास ही उनके मामू खड़े हुए हैं। यहाँ बाकी और तमाम कज़िन्स, रिश्तेदार वग़ैरह सभी मौजूद हैं। और जी ये दूल्हा भाई यानी रज़ा भाई की तैयारी जो है वो मुकम्मल होने की तरफ जा रही है। यहाँ दूल्हा की बहन और उनके हस्बैंड यानी उनके बहन भाई दोनों खड़े हैं। अल्लाह ताला इनके जोड़े को भी सलामत रखे। इनकी भी शादी हुए तकरीबन ये कि एक साल का ही अरसा हुआ है। यहाँ मैं खड़ी हूँ और मेरे बराबर में मेरी बड़ी मामी खड़ी हैं। और यहाँ जो है ना सब के सब जो है ना जल्दी से, बस गर्मी इतनी थी तो ये हमज़ा भाई आ गए हैं, दूल्हा के भाई, रज़ा भाई के भाई हमज़ा भाई। तो ये कि सबकी वीडियोज़ वग़ैरह बन रही थी, यहाँ पर फ़ोटोज़ बन रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ जो है ना वो रज़ा भाई अपडेट हो रहे हैं दूल्हा बनने के लिए, अपनी बारात को लेके जाने के लिए। अच्छा, रज़ा भाई के जो भाई हैं हमज़ा भाई और तला भाई, भाई उन दोनों ने जो है ना उन दोनों ने और उनके बहन भाई तारिक भाई ने और हमारे अथर भाई ने, इन सब ने भाई बड़ा बढ़ चढ़ के कामों में हिस्सा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि मिलाद के फंक्शन से स्टार्ट हुआ है। ये इनके चचा आ गए हैं, वो हार फूल वग़ैरह जो दूल्हा का स्पेशल हार होता है वो लेकर आए हैं उनके लिए, वो उन्हें पहनाया जाएगा। और यहाँ जो है ना बस तमाम तैयारियाँ अब जो है ना उरूज पर थीं और बारात निकलने की तैयारी मुकम्मल होने वाली थी। यहाँ आ गई है मेरी कार और मैंने भी जो है वो अपनी कार, मेरे बेटे ने फरमाइश की कि मम्मा मैं जो है ना वो रज़ा भाई की शादी में अपनी कार को भी डेकोरेट करूँगा। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारी कार खड़ी हुई थी, वो भी दुल्हन की तरह से तैयार हो। यहाँ हम बारात के लिए निकल रहे हैं। आगे लगते हैं।
यहाँ बाराती जो है वो सब पहुँच चुके हैं बैंक्वेट के मेन गेट पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ही घर वाले खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए आप सब, उनके भाई हैं, बहन भाई हैं, बहन हैं, वालदा हैं, चचा हैं, मामू हैं, ये सारे बाराती जो है वो बारात लेके पहुँच चुके हैं। यहाँ आतिशबाजी हो चुकी है और एक रस्म होती है दूल्हा की कार रुकाई की, वो भी हो चुकी है। और और 50,000 रुपए मुअज्जिन की दुरुस्त कर दिया है, आपने कबूल किया? कबूल किया। मैंने सैयद अली शाह बिनते अजहर का निकाह 1,00,000 में है, जो मुअज्जिन लिस्ट है और गैर मुअज्जिन लिस्ट है कि दिवस आप सफर दिया ने कबूल किया। जी कबूल किया। सैयद रजा अली बिन सैयद राशिद अली, मैंने सैयदा अली शाह बिनते अजहर का निकाह 1,00,000 में निस्फ मुअज्जिन और निस्फ गैर मुअज्जिन दिवस आपसे कर दिया, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। الحمد لله نحمده ونستعينه الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ठीक है। हो गया आप, हो गए जो आपके गवाह हैं ना उनके साथ।
पर्चा तो ये बाद में करवाने पिछले तो कर दिया ना। बहुत मुबारक एक सेकंड सर एक्सक्यूज मी माइक दो माइक सब मिलने के बाद रुक जाए एक मिनट यार। वाह पकड़ राहुल क्या क्या करना है? अबे यार जाओ उधर जाओ यार, वो बुला रहे, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, काका बुला रहे। रुक जा रुक जा। शायन मैं अच्छा मिल ले फिर जाऊंगा। अबे वो लोग लगे हैं, वो लोग बात कर एक किसी गली के पास जाओ यार, रुक जाओ यार। अपना ड्यूटी सर चलेना
निकाह हो चुका है जी, रज़ा भाई को निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ जो है ना वो लड़की के मतलब हमारी होने वाली अलिजबा भाभी के पेरेंट्स, उनके अम्मी अब्बू उनको लेकर आ रहे हैं ये निकाह के बाद जो है अपनी बेटी को उनके दूल्हा के हवाले करने आए हैं, यानी रज़ा भाई के। तो माशाल्लाह से यहाँ जो है ना बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रज़ा भाई खड़े हुए हैं अपने दुल्हन को रिसीव करने के लिए। और यहाँ पर अब जब वो उनको अपना हाथ देकर स्टेज पे लेकर आएंगे तो फिर उस वक्त खूब शोर शराबा और बहुत ही क्राउड हो गया था, बहुत ही चीखना चिल्लाना मज़ेदार सी सीटियाँ बज रही थी, आप समझ लें। अब वो घड़ियाँ आज आने वाली हैं रज़ा भाई की ज़िंदगी में जब वो अलिजबा यानी अपनी मिसेस का हाथ थामेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ जो है वो रज़ा भाई ने उनका हाथ थाम के उनको स्टेज पे लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, अपनी चाहतों में, चाहतों के साथ मोहब्बतों के साथ उनको शामिल कर लिया। और यहाँ जो है ना वो दुल्हन अब स्टेज पे आ चुकी हैं और बहुत ही प्यार के साथ रज़ा भाई उनको उनकी सीट पे ले जाके बिठा देंगे। और यहाँ पे बहुत माशाल्लाह प्यारा सा यहाँ जो है वो प्यारा सा एंट्री का सिस्टम, जो कि आप जानते ही हैं कि लाइटिंग ऑफ करके सब कुछ होता है, उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, वो सब कुछ हो चुका था। और यहाँ जो है ना दुल्हन के घर वाले और दूल्हा के घर वाले यानी उनके भाई बहनें सब यहाँ मौजूद थे। यहाँ सारे बाराती जो है वो निकल चुके हैं। यहाँ मैं अपनी गाड़ी में
यानी मेरी कार है ये, और जो कि हमने देखे दुल्हन कितना सजाई हुई थी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त प्रोटोकॉल के साथ राशिद भाई के बेटे रज़ा की बारात गई है। ओहो भाई माशाल्लाह एक धूम ही मच गई थी पूरे इलाके में, इतना शोर शराबा माशाल्लाह, इतना VIP प्रोटोकॉल था कि बस मज़ा आ गया। बारात इतनी शान से वापस आ रही थी, राशिद भाई के घर उनकी बहू अब पहुंचने वाली है, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये रास्ते में रवा दवा हैं। बड़ा VIP प्रोटोकॉल था, बड़ी प्यारी प्यारी गाड़ियां थी। यहां घर पहुंचते ही जो है वो आतिशबाजी का, रज़ा भाई की तरफ से हमज़ा भाई और तला भाई की तरफ से आतिशबाजी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया गया था। पूरा इलाका जो है ना रात के इस टाइम पे लग रहा था कि भाई कि राशिद भाई के बेटे रज़ा की बारात पहुंच चुकी है, उनकी बहू बेगम आ चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ स्टार्ट हो रही है खीर की रस्म, खीर चटाई की रस्म होती है, या रज़ा भाई उनकी माशाल्लाह हमारी भाभी और रिजवा भाभी और दुल्हा की बहन और बहन भाई सब बैठे हैं। यहाँ जो है ना वो रस्म होगी खीर की, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खीर की रस्म हुई थी, बड़ा शोर शराबा हुआ था, बहुत ही कोई इंटरटेनमेंट का ये टाइम था, सबके सब शोर शराबा, क्योंकि जी घर में जब भाभी आ जाती है ना तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। यहाँ पे जो है ना मज़े से सारी ये रस्में होंगी, आप इस रस्मों को इनको सबको इंजॉय करें। और यहाँ जो है ना रज़ा भाई की तरफ से मैं एक शायरी भाभी के नाम पेश करूँगी। तुम्हें लिखता हूँ तो लफ्ज़ हो तुम, तुम्हें सोचता हूँ तो ख्याल हो तुम, तुम्हें मांगता हूँ तो दुआ हो तुम, तुम्हें पूछता हूँ तो सवाल हो तुम, तुम्हें कहता हूँ तो बात हो तुम, तुम्हें तरसता हूँ तो बरसात हो तुम, तुम्हें पढ़ता हूँ तो शायरी हो तुम, सच कहूँ तो मोहब्बत हो तुम। ये शायरी रज़ा भाई की तरफ से अपनी प्यारी सी बेगम के लिए जो कि मैंने पेश की है। अल्लाह ताला इन दोनों को खुशियों के साथ आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला राहत आंटी के घर में चैन सुकून, राशिद भाई के घर में चैन सुकून, खुशियां और बरकतें अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आने वाली दुल्हन अपने नसीबों के साथ साथ खुशियां, प्यार मोहब्बत तमाम चीज़ें लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ माशाल्लाह से रस्म अपने उरूज पर है, और सब के सब जो है ना वो इस रस्म को निभाने के लिए बड़े बेचैन बेकरार बैठे हुए हैं, क्योंकि दुल्हन के हाथ से खीर चटाई जाएगी दुल्हा को, और बस यहाँ एक सख्त सा मुकाबला चलेगा जिसको जो है ना वो रज़ा भाई को इम्तिहान पास करना होगा, उसके बाद जो है ना ये रस्मों का सिलसिला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग तो सब जानते ही हैं कि जी शादी तो एक सफ़र है, शादी जो है एक सफ़र, अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या, और दूसरा ये कि आप जैसा कोई नहीं से लेकर बहुत देखे जी तेरे जैसे, और आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरे तो नसीब ही फूट गए। खैर बहरहाल ये एक मजाक था, और अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को दवाम पर चढ़ाए, आमीन सुम्मा आमीन। सदा खुश रहे रज़ा भाई, उनकी मिसेज, उनके बहन भाई बहन भाई, चाचा फुप्पा फुपियाँ, खाला मामू, सब पूरे ख़ानदान को अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए। सब ने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ और बहुत ही खुलूस के साथ शादी में हिस्सा लिया, माशाल्लाह सब ने मिलके फंक्शन को बहुत ही पुरजोर किस्म का बना दिया। और ख़ास तौर पे जी फरहीन इन द किचन की व्लॉगिंग ने तो कमाल ही कर दिया भाई, और दूसरा ये जो मैंने अपनी कार डेकोरेट करवा के VIP सजवा के बारात में शामिल की थी उससे तो मज़ा ही दुबाला हो गया, हमें भी बहुत मज़ा आया उसमें। यहाँ जी दूल्हा की चाची आ गई हैं, और चची जो है ना वो खीर खिला रही हैं दूल्हा को, और ये रस्म जो है ना वो दुल्हन का हाथ पकड़ के की जाती है जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। बस यहाँ जो है ना वो दुल्हन के दूल्हा के चचा और चची, चचा जो है ना उनकी वीडियो बना रहे थे और चची मज़े से उनको खिला रही थी। खैर बहरहाल सब ने बहुत प्यार मोहब्बत से अपना हिस्सा इस शादी में डाल दिया। ये रस्म तो बहुत सारे लोगों ने की थी, लेकिन ये कि
सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो हाइड करने के लिए कहा था कि हमारी वीडियो मत डालिएगा, तो इस वजह से मैंने और बाकी किसी की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि लोगों को एतराज़ भी होता है, तो इसलिए। भाई माशाल्लाह रज़ा भाई की बारात तक का ये सारा सिलसिला जो है बहुत ही भरपूर तरीके से गुजरा, सारे ख़ानदान वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, माशाल्लाह सभी ने बहुत प्यार से रज़ा भाई की शादी को एंजॉय किया, और भाई मैंने तो भरपूर एंजॉय किया, मैंने और मेरी फैमिली ने, भाई बच्चों ने। यहाँ रस्में वगैरह सब ख़त्म हो चुकी थी और अब ये है दूसरे दिन का व्लॉग जो कि मैंने बनाया था। यहाँ मैं दुल्हे की दुल्हे यानी रज़ा भाई की बहन के साथ बैठी हूँ, हमज़ा भाई, रज़ा भाई, सब हम जो है ना वो मिलके सीवीयू पे गए थे चाय पीने, और सब इसमें तमाम इनके मामू खाला वगैरह वो भी थे, पप्पी भी थी, चचा भी थे, सब मिलके गए थे, मैं थी, मेरे बच्चे भी थे। यहाँ मैं दूल्हा की बहन के साथ बैठी हुई हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी इनके साथ, अल्लाह ताला इन्हें भी खुशियों से नवाजे भरपूर, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हमज़ा भाई बैठे हैं, इतना लंबा एग्जॉस्ट शादी का पूरा पीरियड गुजारने के बाद ये एक मज़ेदार सी चाय थी जो कि हम सब ने पूरी शादी की डिटेल और डिस्कशन यहाँ चल रही थी, और माशाल्लाह से जो जितनी भी प्रोग्राम्स हुए सबको डिस्कस किया जा रहा था यहाँ पे मज़ेदार सी चाय के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह रज़ा भाई की बारात का फंक्शन और माइयों का, मेहंदी का, मिलाद का, उन सब की बातें यहाँ चल रही थी कि हर फंक्शन में कितना मज़ा आया, सबको फैमिली के सब लोगों ने ही माशाल्लाह बड़ा इंजॉय किया, और बस यही सब कुछ चल रहा था। रात लेट बहुत हो गया था, सीवीओ पे बड़ी ठंडी हवाएं थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, यकीन करें बहुत ही सुकून मिल रहा था इतने लंबे शादी के पीरियड को गुजारने के बाद बारात के दूसरे दिन इस तरह की मज़ेदार सी आउटिंग, मज़ा ही आ गया भाई, खूब इंजॉय किया सब ने, और भाई इतना कोई मज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं अपनी कार में बैठी हुई थी और ये देखिए कि इतने प्रोटोकॉल के साथ बारात जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनवाई अपने बच्चों से, और क्योंकि मुझे तो भाई व्लॉग में डालना होता है, आप सबको दिखाना होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी यहाँ ना बस यकीन करें इतना कोई हम गाड़ी के अंदर शोर शराबा कर रहे थे ना, मज़े कर रहे थे, इतना कोई एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि इतना वीआईपी प्रोटोकॉल था माशाल्लाह, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ, और ये जा रही थी रज़ा भाई की बारात, माशाल्लाह जब जा रही थी बल्कि वापसी की तरफ थी, ये इनकी बहन की गाड़ी है, और ये जो है ना रज़ा भाई के छोटे भाई हमज़ा भाई उनकी कार है, और यहाँ हम उनसे भी आगे की तरफ जा रहे थे, और बस ये इस तरह एक कॉन्वॉय की सूरत में ज़बरदस्त किस्म की उनकी जो है ना बारात भाई माशाल्लाह से पहुंची है राशिद भाई के घर पे। आज राशिद भाई ज़िंदा होते तो वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश होते कि मेरे बेटे की बारात इतनी शान और शौकत के साथ और वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मेरे घर पे पहुंची है। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ जो है सारी कवरेज जो है ना वो मेरी कार के सनरूफ में से हो रही थी भाई, तो क्यों ना सारा कुछ आपको दिखाया जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सीन देख रहे हैं आप, ये सारा वीआईपी यहाँ जो है ना एक ज़बरदस्त सी रस्म होती है, दरवाज़ा रुकाएगी, वो सब बहनें और भाभियाँ मिलके कर रही थी, दूल्हा को अंदर जाने से रोक रही थी। माशाल्लाह इस रस्म में भी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह माशाल्लाह, और शादी का मज़ा ही दोबाला हो गया, सबको बहुत ही मज़ा आया, सबने बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह शादी में, और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा किया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है हमारा पूरा पूरी फैमिली का ग्रुप फ़ोटो है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें सब मौजूद हैं, और अल्लाह ताला राशिद भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ, और हमारे जितने मरहूमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें, और बहुत सारी खुशियों और दुआओं के साथ विद बेस्ट विशेज फॉर रज़ा भाई, फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।